गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, बिकॉज आज ना मुझे था कि मैं बस उठते ना जल्दी से घर का काम वाम कर लूँ। तो जैसे ही उठी, बिना फ़ोन यूज़ करे, कोई भी नोटिफिकेशन चेक करे, मैं सीधा काम पर लगी। सबसे पहले मैंने कपड़े लगाए, तो आज भी मैंने वैसे ही किया। एक बार मैंने गर्मी के कपड़े धोए और एक बार मैंने स्वेटर्स वगैरह धो दिए, बाकी सबके भी। मैं कहा धीरे धीरे धोती रहूँगी ना, तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। वैसे अभी ऑल दो इतना मौसम नहीं है कि जैकेट्स वगैरह ये सब इतना पहना जाए, बट पहले से ही मैं धो के रख रही हूँ ताकि जब जिसको नीड हो तो ठीक है, सब रेडी है, अपना पहन लो। एंड फिर झाड़ू पोछा किया, अब जाके मैं फ्री हुई, नहा धोकर आई हूँ। अब बस लंच करती, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर लंच करूँगी। मम्मी भी किचन में लगे हुए हैं, मम्मी बर्तन धोना और मम्मी के कहते हैं खाना बनाना, जो आज लंच में बनाना है वो कर रहे हैं। तो बस आज मुझे है कि आज ना किसी भी तरीके से मेकअप ट्यूटोरियल शूट हो जाए। तो जैसे मैंने दिन एक प्लान कर रखा था वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो होपफुली आगे भी ऐसा ही चलता रहे। तो दे जानने के लिए तो आगे ब्लॉग देखने पड़ेगा। तो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। आज मम्मी ने लंच में बनाए हैं राजमा चावल। राजमा चावल वैसे भी बहुत दिनों बाद बने हैं। एंड गोपू का भी आ गया मम्मी। हाँ, गोपू ये तो आपके है ना, ये मेरे साइड पर। गोपू के अलग है, ठंडा जब भी ठंडा हो जाए। और ये बिना प्याज के है, कहीं आप हमें फिर से बोले कि आपने सेम खिला दिया। अलग से तड़का लगाया जाता है गोपू के खाने के लिए। हाँ, उबले में राजमा होते ना, अलग लगा देती हूँ। हाँ, गोपू के लिए। हम ऐसे अपने ऊपर पाप नहीं चढ़ाते। नहीं, गोपू ऐसे नहीं, बच्चा है वो। आज भी मैंने थोड़ी सर्दियों के कपड़े धोए थे, तो ये मैंने मम्मी का पजामा भी धो दिया, बिकॉज अभी अपना भी मेरे सारे धुले पड़े हैं, इनके थोड़े ऐसे थे। एंड धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, तो दोपहर में ही अभी मतलब 2 ही बजे, तो सारे के सारे कपड़े सूख भी गए, तो मैंने हाथ बहुत लपेट दिए। वो मैंने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि हमने कड़ी पत्ता पे धनिया पत्ती आ रही है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना धनिया के पौधे, बट ये पौधा पूरा खराब हो रखा है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? इस मौसम की वजह से पौधा खराब हो रहा है, देखिए कैसे इसके पत्ते निकल गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब आई नो अभी मौसम ही ऐसा है, बट बाकी सब तो अभी काफ़ी हद तक ठीक है, यही ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताइए क्या सबके घर में ऐसा हो रहा है, जिन जिनके घर में प्लांट्स हैं। आज बहुत दिनों बाद ज़ेप्टो से ऑर्डर आया है घर पे, तो मैंने ये मंगवाई है वेज मायो। आज हमने ये वाली ट्राई कर रहे थे विंग्स ग्रीन फार्म्स की, एक्चुअली इसमें ना मुझे ऑफर मिला हुआ था, ये है 800 ग्राम की, 800 ग्राम की है, तो ये मुझे 120 रुपीज़ की पड़ी है। ये वैसे ये है 200 रुपीज़ की, तो 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा था, मैंने कहा ये मंगवा लेती हूँ मैं। डेल मोंटे हम यूज़ करते हैं, बट डेल मोंटे 120 की वो 500 ग्राम मिल रही थी और ये 800 ग्राम, तो हमने कहा ये भी आज मंगवा रहे थे। कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है आज, काकू मैं सोच रहे थे पिज़्ज़ा पार्टी करने का, तो शाम के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली है, मन कर रहा था पीने का। देन अब सर्दियाँ आ ही गई है, कॉफ़ी बनती रहती है, तो उसके ऊपर चॉकलेट पाउडर डालते हैं ना, तो इसके लिए मंगवा लिए चॉकलेट पाउडर भी मैंने। मैं ना इसके अंदर ना ये वाला जो पैकेट होता था इसे रिमूव कर रही है, एंड ये ऊपर से पील हो गया, अंदर का ना ये रह गया। इतनी टाइट पैकिंग कौन करता, मतलब मेरे ना नेल्स में पेन होने लग गया है। मम्मी या काकू से करवाती हूँ, मेरे तो दोनों साइड से मैंने ट्राई करा, दोनों साइड से ऐसे ही हो गया, पोपट हो गया। तो फाइनली ओपन हो गया, मैंने क्या किया, ऊपर का तो उतर ही गया था, जो अंदर का था वो मैंने फाड़ ही दिया हाथ से। मैंने कहा कोई नहीं, जैसे मर्जी निकल जाए पर निकल जाए बस। आज ना ये चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही थी मैं, ठीक है, तो मैंने देखा कि नहीं ये एक्सपायर हो गया। मतलब मैं हमेशा कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले ना एक बार देख लेती एक्सपायरी, तो इसकी जो एक्सपायरी थी ना वो 8 अगस्त की थी, कहाँ लिखा हुआ था मैंने इसका देखा था, अब मुझे मिल नहीं रहा है डेट ऑफ पैकेजिंग। हाँ ये रहा, ये देखिए, ये इधर लिखा हुआ अगस्त 2022 का बेस्ट बिफोर, तो ये अभी उससे पहले तो हमने ट्राई किया नहीं था। बट इसकी ना बॉटल अच्छी है, कांच बॉटल की है, तो मैंने कहा ये फेंक करना, इसको हम रीयूज़ कर लेंगे बॉटल को। ये देखिए मैंने पूरी बॉटल को ना एम्प्टी कर दिया, इसका जो ऊपर का स्टिकर था ना, मतलब जो भी पैकेजिंग थी वो रिमूव कर लिया, बस इसे धो देंगे अच्छे से, वॉश कर देंगे और ये बस मतलब न्यू बॉटल हो जाएगी। इसमें हम बेसिकली तो ऑरिगेनो ही डाल सकते हैं या कुछ भी डालना, बॉटल अच्छी है, शेक बॉटल अच्छी है, तो ठीक है रीयूज़ करनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, हमेशा रीयूज़ करनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था आज हम लोग शाम को पिज़्ज़ा मंगवाने वाले हैं, तो हमने ऑर्डर करा है ये डोमिनो से अनियन एंड पनीर पिज़्ज़ा, और ये खेला है कैप्सिकम पिज़्ज़ा।
पता नहीं इधर इन्होंने चीज थोड़ा कम कैसे हो गया, बट डोमिनोज के पिज्जा बहुत टेस्टी होते हैं। तो मम्मी खाते नहीं है, पापा मैं और काकू हम तीनों ही खाएंगे बस। पूजा, वो मासी का फोन आया था, मैं ना वहाँ जा रही हूँ। कहाँ? शीतला मंदिर माता के पास। वहाँ क्या करना है? वो मासी का थोड़ा काम है। अच्छा, तो मासी के साथ मिल रही है तो काम है करके मैं फिर आती हूँ। मच्छर कितने हो रहे बाहर आते? इतनी आफत है। हाँ, इतना मच्छर है और आज घर में मेरा बड़ा सर दर्द है। दोनों तरफ ना घंटा निकल के आ रही सर दर्द हो रखा है मेरा, इतना पीछे आ गए, इतना ये वाला तो रेनोवेट हो गया, सही हो गया ना, इन्होंने पेंट वेंट कर दिया, पहले बड़ा गंदा सा लग रहा था। हाँ, वो तो नीचे आ गए, एक और नीचे आ गए, अब शोर कम आएगा। नहीं आ रहा था सुबह भर के, वो भी ऊपर तोड़ रहे थे ना कम, और ये कपड़े तो सूखे ही नहीं है, मुझे पता था सूखनी नहीं है, धूप जा चुकी थी ना। हाँ चलो, हाँ चलो, नहीं कुछ नहीं लाना, मैंने मंगवा लिया था। हाँ चलो ठीक है, बाय। आपको मूंगफलियाँ बड़ी पसंद है ना? शुरू से। हाँ मम्मी देखो, बैठे बैठे मूंगफलियाँ खाई जा रहे हैं। मम्मी आए हैं और मार्केट से मूंगफली ले आए अपने लिए ना, जब ये शुगर के मेरे को वो नहीं थी तो लोई आती थी, मूंगफलियाँ मैं ज्यादा ज्यादा लेके रखती थी। हाँ, आराम से खाती रहती थी सब कुछ। हाँ काकू, और ये मम्मी और काकू दोनों लगे पड़े हैं तब से मूंगफलियाँ खाने में, ये बस इतनी बची है ना। नानी भी लेती थी ना। हाँ नानी घर से भी ले आती थी मैं। अच्छा, नानी खाती नहीं थी, मैं ही आती थी। तो सही है, खाओ लोई के बाद ले आती थी, खाओ मूंगफलियाँ। लोई का भी याद आ गया, पॉपकॉर्न खाने में कितना मजा आता था। और वो वाले पॉपकॉर्न खाने, वैसे पॉपकॉर्न खाते रहो, वो वाले पॉपकॉर्न खाने में अलग मजा आता है, वो अलग होता है। उस दिन त्योहार भी होता है ना। हाँ। खाए जाते हैं सब लोग, खाते हैं मिलजुल के खाए जाते हैं। हाँ मच्छर आपके पास घूम रहा है? और मच्छरों ने तो ऐसी खून पी रखा है, काम ही कर दिया। हम लोगों के बर्थडे भी आने वाले हैं, बहुत से लोग हमसे पूछते रहते थे कि आपके बर्थडे कब है, आपके बर्थडे कब है। तो हम लोग, मम्मी और मेरा दोनों का ही बर्थडे दिसंबर में आता है। इनफैक्ट हम दोनों का है नहीं, मतलब पांच छह छह बर्थडे है दिसंबर में, छह बर्थडे है। तो सबसे पहले तो मतलब सीमा मासी का बर्थडे स्टार्ट होते हैं दिसंबर, 1 दिसंबर को सीमा मासी, 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर को मेरा, फिर 15 दिसंबर को संदीप जीजू का ना। हाँ संदीप जीजू का है, और 9 को राधिका का। हाँ 9 को राधिका का, मेरे बर्थडे के अगले दिन ही राधिका का बर्थडे है, 15 को संदीप जीजू का, 4 बर्थडे हो गए, 21 दिसंबर को मम्मी का बर्थडे, 30 दिसंबर को ललिता मासी का बर्थडे। तो 6 बर्थडे है दिसंबर में, बैक टू बैक बैक टू बैक, बिल्कुल आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं इतने सारे दिसंबर में ना, सबके सभी दिसंबर में आ गए हैं। और अब हम एक्साइटेड तो है, एंड हमारे मम्मी का बर्थडे तो चलो फिर भी ठीक है, मेरे बर्थडे पे ना मतलब ऐसा वेदर होता है, ना ही ठंड होती है ना ही गर्मी होती है। मेरे को कपड़े आज तक अपने बर्थडे पे ना समझ ही नहीं कि मैं वन पीस पहन लूँ, नहीं मैं वन पीस नहीं पहन सकती क्योंकि ठंड हो रखी होती है, जैकेट पहन नहीं सकती, जैकेट ज्यादा वो वुलन वाला पहन नहीं सकते बिकॉज इतनी ठंड हो नहीं रखी होती। मम्मी के बर्थडे पे नॉर्मल हो जाता है, ठंड आ जाती है थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। हाँ मेरे बर्थडे पे बहुत सीन खराब है मुझे, मैं पता 2 दिन से मैं परेशान हूँ बर्थडे की ड्रेस आउटफिट डिजाइन के लिए सिलेक्ट करने में ना, मैं जगह जगह देखी जा रही हूँ। अब 1-2 दिन में जाऊंगी पैसिफिक मॉल, देखती हूँ फिर वहाँ पे देखती हूँ क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। और बस अब यही सब घर पे चल रहा है, बर्थडे की एक्साइटमेंट तो है ही। बस अब एज मत पूछना कि आप कितने साल के होने वाले, बस बहुत लोग दोनों पूछने की। हाँ एज नहीं पूछनी भाई, अच्छा नहीं लगता ऐसे, हम सबको थोड़ा एज बताते रहेंगे अपनी तो नहीं, बट ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कैसे होगा क्या होगा देखते हैं। मेरा तो पहला ही यूट्यूब फैमिली के साथ बनाऊंगी, आगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ बनाती थी, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम है कि अपनी YouTube फैमिली के साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करूंगी। yes, हम दोनों ही पूजा और मैं। हाँ हम तो हम खुद इतने ज्यादा खुश हैं कि हम अपना बस जल्द जल्द यार अपना बर्थडे बनाए। आज राजमा बची गए थे जो सुबह बनाए थे, तो चावल भी बचे हुए थे थोड़े से, तो मैंने इसको दोनों को मिक्स करके गर्म कर दिया, और यहाँ पे मम्मी साथ साथ रोटियां बना रहे हैं। हाँ। पापा नहीं आए मम्मी अभी तक, पापा का फोन आया था कटिंग कराने गए। अच्छा मैं तभी कहूँ 10 बज गए, पापा आए नहीं रहे। हाँ हाँ पापा कटिंग कराने गए हैं अभी, रुक के आएंगे। हाँ चलो, पेट भी वैसे भरा ही हुआ था पिज्जा विज्जा खाकर ना। हाँ हाँ आज लेट ही हो गया सारा, भूख है नहीं ज्यादा। चलो राजमा भी गर्म हो ही रहे हैं। सो डिनर तो हो ही गया है, तो बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे, अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, अंदर जाती हूँ, सोती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ। एंड कल हमारी सब्सक्राइबर है, उसका बर्थडे है, तो लता मासी मैं और मम्मी हम तीनों उनके बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, इन्वाइट किया हुआ है। तो ये अच्छा लगता है कि ऐसे कोई सब्सक्राइबर बुलाता है, तो बहुत अच्छा लगता है।
अब बस मैं अंदर जाती हूँ, सोती हूँ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको कल की व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।